हाय ज्योति, वेलकम यू ऑल ऑन डू और डाई फॉर स्टडी चैनल। बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्लास सिक्स के चैप्टर नंबर एट की ए गेम ऑफ चांस की हिंदी में एक्सप्लेनेशन। तो आइए शुरू करते हैं। एवरी ईयर ऑन ओकेजन ऑफ ईद देयर वाज अ फेयर इन आवर विलेज। ईद वाज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज। ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर विथ ऑल काइंड ऑफ गुड्स टू सेल। यू कुड बाई एनी थिंग फ्रॉम ए स्मॉल पिन टू ए बिग बफेलो। यहाँ पर जो है राशिद नाम का एक बच्चा अपने बारे में बता रहा है कि वो उनके गाँव में जो है हर साल ईद के ओकेजन पर एक बड़ा सा मेला लगता है। ईद तो केवल एक ही दिन मनाई जाती है, लेकिन जो वो मेला लगता है वो काफ़ी दिनों तक लगता था। वहाँ पर जो ट्रेड्समैन होते हैं, शॉपकीपर्स हु हैव गुड्स टू सेल, जो अपना सामान बेचने के लिए आते हैं, वहाँ पर बहुत सारे सामान बेचने के लिए लाते थे। चाहे वो क्या लाते थे, वहाँ से आप क्या क्या खरीद सकते हैं, एनी थिंग, कोई भी चीज़, एक स्मॉल पिन से लेकर एक बड़ी भैंस तक। अंकल टुक मी टू द फेयर। भैया Who worked for us at home came with us. अंकल जो थे उसके, वो उसको मेले में लेके गए और एक भैया भी गए थे उनके साथ जो उनके घर में काम करते थे। There was a big crowd at the fair. फेयर में, मेले में बहुत भीड़ थी। अंकल was leading us through the crowd when he met a few of his friends. They wanted him to spend some time with them. अंकल उसको लेकर गए थे मेले में, और भैया को भी जो उनके साथ उनके घर पर काम करते थे, हमारे घर में, राशिद कह रहा है जो हमारे घर में काम करते थे, वो भैया को भी लेकर गए थे, वो भी उनके साथ आए थे। तो वहाँ पर जो था मेले में बहुत भीड़ थी, अंकल जो थे भीड़ में से उनको लीड करके ले जा रहे थे। तब क्या हुआ, तब उनको जो है अंकल को उनके कुछ फ्रेंड्स मिल गए और वो चाहते थे कि वो अपना कुछ समय उनके साथ बिताएं। अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू टूक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही कम बैक। तो अंकल ने उनको बोला कि वो पसंद करेंगे चारों तरफ घूमना भैया के साथ, जब तक कि वो वापस नहीं आ जाते। आई वॉज हैप्पी टू डू दैट, मुझे ऐसा करने के लिए खुशी हो रही थी। अंकल वॉन्ट मी नाइदर टू बाई एनी थिंग और टू गो फार टू फॉर आउट वाइल ही वॉज अवे। आई प्रोमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम। राशिद कह रहा है कि वो बहुत खुश था ऐसा करने के लिए, लेकिन जो अंकल थे उन्होंने उसको वार्न किया था, चेतावनी दी थी कि वो कोई भी चीज़ मेले से नहीं खरीदेंगे और ना ही दूर जाएंगे वहाँ से, जब तक कि वो दूर हैं। और राशिद ने भी ऐसा करने के लिए प्रॉमिस किया कि वो उनका वेट करेगा। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप। देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न। भैया और वो दोनों शॉप टू शॉप गए, हर एक शॉप पे गए। वहाँ पर बहुत सी चीज़ें थी जिनको वो खरीदने पसंद कर रहा था खरीदने के लिए, लेकिन वो कह रहा है कि उसने वेट किया अंकल के आने का। देन ही केम टू वॉट वॉज कॉल्ड द लकी शॉप। तब वो कहाँ पर आए, लकी शॉप पर आए। द शॉपकीपर वॉज नाइदर यंग नॉर ओल्ड, यानी वो मिडिल एज का था जो शॉपकीपर था, ना तो ज़्यादा जवान था और ना ही ज़्यादा बूढ़ा था। ही वॉज मिडिल एज मैन, वो था मिडिल एज का आदमी। हे सीम्ड नाइदर टू स्मार्ट नॉर टू लेजी, वो ज़्यादा स्मार्ट भी नहीं दिख रहा था, ज़्यादा लेजी भी नहीं दिख रहा था। लेजी किसको कहते हैं, आलसी को। ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक, वो चाहता था कि हर कोई अपने लक को आजमाए। There were dices on the table with numbers from 1 to 10 facing down. वहाँ पर टेबल पर कुछ डाइसेस पड़े थे, उन पे नंबर क्या थे 1 से लेकर 10 तक, और वो उल्टे रखे हुए थे। All you had to do was to pay 50 पैसे, और उसमें सभी को 60 पैसे पे करने होते थे। Pick up any 6 dice, कोई भी 6 dice उठाने के लिए, और add up the numbers on the dices and find the total, और उसमें से 6 dice उठा करके उनका total करना पड़ता था।
The article marked with that numbers was yours. और उन जब सबको total किया जाता था, उस पर जो number आता था, वो आपका होता था. An old man paid 50 पैसा and selected 6 dices. एक बूढ़ा आदमी आया, उसने 50 पैसे दिए और उसने 6 dices जो थे, select कर लिए, choose कर लिए. He added up the numbers on them and found the total was 15. उसने उन सबका total किया, और जो उसका नंबर आया टोटल नंबर वो था 15. ही वॉज गिवन टू द आर्टिकल मार्क 15 विथ वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक. जो आर्टिकल 15 मार्क्स पे था तो उस पर क्या था, एक ब्यूटिफुल क्लॉक थी, एक घड़ी थी, सुंदर सी घड़ी. बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वांट ए क्लॉक, लेकिन वो बूढ़े आदमी को वो घड़ी नहीं चाहिए थी. द शॉपकीपर ऑब्लिग्ड हिम बाई बाइंग इट बैक फॉर 15 rupees. द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड. तो जो शॉपकीपर ने था उनसे जो थी वो वापस ले ली घड़ी 15 rupees दे करके. यानी जो शॉपकीपर था उसने 15 rupees उस ओल्ड मैन को दिए और वो जो घड़ी थी उसने खुद से वापस अपने पास रख ली. द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड. जो बूढ़ा आदमी था वो खुश होके वहाँ से चला गया. देन अ बॉय ए लिटिल ओल्डर देन आई. तब एक लड़का आया जो राशिद से थोड़ा सा बड़ा था. ट्राइड हिज लक, उसने अपना जो लक आजमाया. ही गॉट ए कॉम्ब विथ 25 पैसे. उसकी एक कॉम्ब निकली यानी कंघी निकली जिसकी जो कीमत थी वो कितनी थी, 25 पैसे. द शॉपकीपर लुक्ड नाइदर हैप्पी नॉर सैड. शॉपकीपर ना तो ज़्यादा खुश दिख रहा था ना ही सैड दिख रहा था, यानी दुखी दिख रहा था. ही बॉट द कॉम्ब फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसे. उसने वो कंघी जो थी वो बॉय से खरीद ली 25 पैसे दे करके. द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन. बॉय ने दोबारा अपना लक आजमाया, ट्राई किया. ही नाउ गॉट ए फाउंटेन पैन वर्थ 3 rupees. अब उसको क्या मिल गया, 3 rupees का फाउंटेन पैन मिल गया. देन ही ट्राइड ए थर्ड टाइम एंड गॉट ए रिस्ट वॉच वर्थ 25 rupees. उसने थर्ड टाइम अपने किस्मत को आजमाया, ट्राई किया उसने, और उसको अब क्या निकला, उसके एक हाथ पे बांधने वाली घड़ी निकली जिसकी जो प्राइस था वो था 25 rupees, जिसकी वैल्यू क्या थी, 25 rupees. व्हेन ही ट्राइड अगेन ही गॉट ए टेबल लैम्प वर्थ मोर देन 10 rupees. उसने फिर ट्राई किया, दोबारा ट्राई किया, तो अब की बार उसका क्या निकला, टेबल लैम्प निकली, और जिसकी वैल्यू कितनी थी, 10 rupees. द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विद ए स्माइल एंड ए गुड डील ऑफ कैश. बॉय बहुत खुश था और वहाँ से स्माइल के साथ चला गया, क्योंकि अब उसके जो डील थी कैश में अच्छी हो गई थी. आप लोग इसके टोटल कैलकुलेशन ज़रूर करना कि उसने टोटल कितने रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ और कितने रुपीज़ उसने शॉपकीपर को पे करे थे. आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू. मैंने भी अपना लक आजमाने की कोशिश करी कि आई लुक्ड एट भैया. मैंने भैया को देखा. ही इनकरेज्ड मी, और भैया ने उसको इनकरेज किया. आई पेड 50 पैसे एंड टुक 6 dices. मैंने भी उसको शॉपकीपर को जो थे 50 पैसे पे करे और वहाँ से 6 dices जो ले उठा ली. माई लक वॉज नॉट टू गुड. मेरा लक इतना अच्छा नहीं था. आई गॉट 2 pencils. उसका क्या निकला, फर्स्ट अटैम्प्ट में 2 pencils. देन द शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे. तो शॉपकीपर ने जो है उससे वो 25 पैसे में ले ली. आई ट्राइड अगेन, और उसने दोबारा कोशिश करी. दिस टाइम आई गॉट ए बॉटल ऑफ इंक, और सेकेंड टाइम उसका क्या निकला, बॉटल ऑफ इंक निकली. आल्सो लिटिल वैल्यू, उसकी भी बहुत कम वैल्यू थी. द शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर 25 पैसे. शॉपकीपर ने उसको भी 25 पैसे में खरीद लिया. आई टुक द चांस फॉर द थर्ड टाइम. स्टिल लक वॉज नॉट विद मी. उसने थर्ड चांस भी ट्राई किया लेकिन उसका लक अभी भी उसके साथ नहीं था. आई हैड होप्स ऑफ विनिंग ए बिग प्राइज. उसकी जो आशा थी वो क्या थी, उसकी होप क्या थी कि वो जो है बड़ा सा प्राइज जीते.
एंड कंटिन्यूड टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन, और उसने बार बार अपना लक ट्राई करने की बार बार कोशिश करी, पेइंग 50 पैसा ईच टाइम। 50 पैसे वो हर बार दे रहा था और अपने लक को बार बार ट्राई कर रहा था, बट एवरी टाइम आई गॉट ए ट्रिफल। अब ट्रिफल क्या होता है, जिस ऑब्जेक्ट की थोड़ी वैल्यू होती है, क्योंकि देखो वो 50 पैसे बार बार पे कर रहा था, अभी तक उसकी जो 2 पेंसिल्स निकली या फिर उसकी बोतल इंक की निकली तो बार उनकी वैल्यू कितनी थी, 25 पैसे। तो यानी जो कोई जब भी उसकी चीज़ निकल रही थी तो बहुत ही कम वैल्यू की निकल रही थी, बट एवरी टाइम आई गॉट ए ट्रिफल। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विथ ओनली 25 पैसे, और लास्ट में उसके पास कितने पैसे बचे, ओनली 25 पैसे। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस, शॉपकीपर ने उसके साथ अपनी काइंडनेस दिखाई यानी दया दिखाई। ही सैड आई कुड आइदर पे वंस मोर विथ 25 पैसे और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर। आई प्लेड अगेन एंड एट लास्ट 25 पैसे आल्सो डिसअपीयर्ड। जो शॉपकीपर था उसने उसको 25 पैसे में ही लास्ट चांस करने की परमिशन दे दी, और उसने क्या कहा कि वो उस समय अकाउंट को देन एंड देयर क्लियर कर देगा। यानी उसका कहने का मतलब ये था कि अगर बाई चांस उसके कुछ बड़ी वैल्यू के कोई भी चीज़ निकलती है तो वो बाद में उससे 25 पैसे ले लेगा, लेकिन लास्ट के जो 25 पैसे थे वो भी गायब हो गए। डिसअपीयर्ड कहते हैं गायब होने को। पीपल वर लुकिंग एट मी, जो लोग थे वो उसको देख रहे थे। सम वर लाफिंग एट माई बैड लक, कुछ लोग हंस रहे थे मेरे बैड लक पर, बट नन शोड एनी सिंपैथी, लेकिन किसी ने कोई मेरे साथ सहानुभूति नहीं दिखाई। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न। भैया और मैं वहाँ गए जहाँ पर उनके अंकल ने उनको छोड़ा था, और हम उनके आने का वेट करने लगे। प्रेजेंटली ही केम, ही लुक्ड एट मी एंड सैड, राशिद यू लुक अपसेट, व्हाट इज़ द मैटर। तो जब वो वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि मैं जो था वो दुखी था, अपसेट लग रहा था, तो इसलिए अंकल ने मुझसे पूछा, उन्होंने जब मुझे देखा और मुझसे पूछा कि राशिद तुम अपसेट दिख रहे हो, बैड मूड में दिख रहे हो, तो क्या मामला है। I did not say anything, मैंने कुछ नहीं कहा। भैया told him what had happened, भैया ने बताया कि क्या हुआ था। Uncle was neither angry nor sad, अंकल ना तो खुश थे और ना ही गुस्सा कर रहे थे और ना ही दुखी थे। He smiled and patted me, वो स्माइल की उन्होंने और मेरी पीठ थपथपाई। Patted कहते हैं पीठ थपथपाने को। He took me to a shop And bought me a beautiful umbrella, वो मुझको एक शॉप पर लेकर गए और मुझे एक बहुत ही सुंदर अम्ब्रेला लेकर दिया। बिस्किट्स एंड स्वीट्स एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स, बिस्किट भी लेकर दिए, मिठाइयाँ और कुछ छोटे गिफ्ट भी लेकर दिए, दूसरे छोटे गिफ्ट लेकर दिए। देन वी रिटर्न होम, तब हम लोग वापस आ गए। बैक होम अंकल टोल्ड मी दैट लक्की शॉप मैन हैड मेड ए फूल ऑफ मी। जब वापस घर पहुंचे तो अंकल ने बताया कि जो लक्की शॉप वाला मैन था, शॉपकीपर था, उसने मुझे उल्लू बनाया है, मूर्ख बनाया है, बुद्धू बनाया है। नो अंकल आई सैड, इट वॉज जस्ट माई बैड लक, मैंने कहा नहीं अंकल ये खाली मेरा बैड लक था। अब अंकल ने क्या आंसर दिया, उन्होंने बोला नो माई बॉय सैड अंकल, अंकल ने कहा नहीं मेरे बच्चे, इट वॉज नाइदर गुड लक नॉर बैड लक, ना तो अच्छा लक होता है ना बुरा लक होता है। बट अंकल आई सैड आई सा एन ओल्ड मैन गेटिंग ए क्लॉक एंड ए बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स, लेकिन उसने कहा मैंने देखा था कि ओल्ड मैन ने जो था एक घड़ी मिली थी उसको, और बॉय को जो है 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स थी। अच्छा जल्दी से बताओ वो बॉय को कौन सी कॉस्टली थिंग्स मिली थी, याद है आपको, ठीक है जल्दी से आंसर दीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। यू डोंट नो चाइल्ड अंकल, अंकल सैड दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर, तुम नहीं जानते बच्चे, अंकल ने कहा कि वो जो सारे थे वो शॉपकीपर के फ्रेंड्स थे।
They were playing tricks to attempt to tempt you to try your luck. वो लोग तुम्हारे साथ ट्रिक खेल रहे थे ताकि तुम भी अपने लक को आजमाओ. They wanted your money. वो खाली तुम्हारा पैसा चाहते थे. And they got it. और वो उनको मिल गया. Now forget about it. अब इसको भूल जाओ. And don't tell anybody of your bad luck or your foolishness. और आप किसी को ये मत बताना अपने बैड लक के बारे में और अपनी फुलिशनेस के बारे में. अभी इस चैप्टर से संबंधित जो जितने भी एमसीक्यूज बनेंगे उसकी एक अलग से वीडियो पार्ट टू करके बना दी जाएगी और उसको भी आप ज़रूर देख लेना ताकि आपके चैप्टर का पूरा रिवीजन हो जाए. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. जल्दी हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.